की ये खासियत है पेंटिंग का है, हमारे कोई कमर्शियल कलर इस्तेमाल नहीं होता है, सारी की सारी ओरिजिनल कलर है। और ये कैनवास मेन करके हम कैनवास बनाते हैं, कलर बनाते हैं, पेंटिंग सब अलग हैंडमेड है सर। और जो कलर जो बनाते हैं, व्हाइट कलर होता है समुद्र का शंख होता है, रेड कलर होता है हिंगुल, येलो कलर होता है हरिताल, ब्लैक कलर जो दिया जला की जो काजल आता है उसको ब्लैक कलर होता है, और ब्लू कलर होता है नीलगिरी स्टोन। ये कलर का साथ कलर मिक्स करके बहुत सारे कलर बनाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं। इसको कलर का प्रोसेसिंग जाने के बाद और जो मटेरियल बनाता है, दो कॉटन कपड़े को जॉइंट करते हैं, जॉइंट करते जो टामारिन सीड्स आता है ना उसको, वो रिसाइकलिंग चीज इसमें इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जो इस्तेमाल होता है ना जो चीज़, जो टामारिन सीड्स को कूट के पाउडर करके पकाते हैं, पकाने के बाद जो गम मिलता है दोनों कपड़े को जॉइंट किया जाता है, ऐसा है। हमारे जो पटचित्र को है वो जो उसको थोड़ा जो हमारे जो पब्लिसिटी का तरफ से जो राष्ट्रीय प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हाँ वो भी नहीं है सर। जो पटचित्र को जो मान्यता मिलना चाहिए वो नहीं सर। सब मतलब जैसे राजस्थान पेंटिंग को मिला है, मतलब बिहार पेंटिंग को मिला है, हमारा पेंटिंग को नहीं मिला है सर। इस तरफ कोई फोकस भी नहीं है। और ऐसे सब पता है हमारे स्टोरी सब माइथोलॉजिकल का ऊपर बनता है। ये तो हमारा जनरेशन वाइज चलता रहता है। और मैं फोर्थ क्लास से स्टार्ट किया इस पेंटिंग को, मेरे पापा करते थे, उनके पापा भी करते थे, और हमारी जनरेशन अभी भी कर रहे हैं, हम इसको बचा के रखे अभी तक। हमारा जो पटचित्र कैनवास के ऊपर बनता है, और सिल्क में बनता है, और पाम लीफ में बनता है, और रिसाइकल आइटम को हम उसको करके उसको पेंट करते हैं। मेरे हिसाब से जैसे कि कोई वेबसाइट वगैरह, जैसे कि बाहर कंट्री के लोग जानेंगे इसके बारे में, कुछ बोर्ड वगैरह, हमारी पूरी में बोर्ड नहीं है तो वहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह लगाएंगे ताकि लोगों को पता चले। टूरिस्ट आते रहते बहुत पूरी में, बट गांव को किसने नहीं पता, तो इसीलिए हमारी ये ज़रूरत है कि इसको बाहर में प्रमोट करना चाहिए।